गाइस यार क्या ही सुहाना मौसम है, जरा देखो तो सही बाहर कितनी खिली खिली धूप है। शिनचान चॉप मेरी बात सुनो। एक मिनट गाइस, थॉर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी से जाके देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। और तुम अचानक? हाँ हमें तुमसे एक काम था और तुम्हें वो करना होगा, प्लीज अभी ना मत बोलना। अच्छा ठीक है नहीं बोलता, पर काम क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ हमें भी बताओ ना, अब तो मुझे भी जानना है। हेला नर्क का दरवाजा खोल के फिर से धरती पर आ गई है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं। क्यों कोई नहीं? तुम हो ना, तुमने उसे पहले भी हराया है। नहीं इस बार मैं उसे नहीं हरा सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हरा सकते? तुम्हारी ताकतें चली गई है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें जेन के साथ डेट पर जाना है। अगर इस बार नहीं गया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। क्या? जेन के साथ डेट पे जाने के लिए तुम हेला को नहीं हराओगे? मजाक वजाक हो रहा है क्या? हम एकदम सीरियस है। अच्छा ठीक है मैं मदद करूंगा, पर अगर मुझसे नहीं हुआ तो? और मेरे पास तो ताकतें भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें पावर्स दूंगा, अपना सूट दूंगा। ओके अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कर सकता हूँ, तैयार हो जाओ। ये लो गाइस, यार मजा आने वाला, अपने को पावर्स मिलेंगी। क्या क्या मजाक है ये कौन सा थॉर है? ऐसा लग रहा है मैं कोई टॉय बन गया हूँ। हम तुम्हें इतनी ताकतें नहीं दे सकते थे, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अरे मैं ऐसे कैसे हराऊंगा हेला को? मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, ये रही ओडिन ऑनलाइन शॉप, तुम यहाँ से पावर्स और सूट ले सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। अबे यार क्या मुसीबत है, अब जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं, ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखो गाइस अब तो फंस गए, तो पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि पैसे जमा कहाँ से करूँ। एक मिनट, आपको भी सुनाई दे रहा है? ये तो सायरन की आवाज है। ए भाई साहब ये क्या था? ऐसा लग रहा था पुलिस वाले किसी वैन का पीछा कर रहे हैं। जल्दी से जाके देखते गाइस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पक्का कोई तो विलन है ना, कोई क्राइम करके भागा है। जल्दी जल्दी जाते, वो रही पुलिस की गाड़ियाँ ठीक हमारे सामने ही खड़ी है। वो वैन भी रुक गई और ये भी रुक गए। जल्दी से जाके पूछते आखिर में मांजरा क्या है। ऑफिसर क्या आप बताएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लोग जेल से भागे हुए कैदी है, इन्होंने एक बैंक में लूटपाट की और वहाँ के मैनेजर को किडनैप कर लिया। जब तक ये मैनेजर हमारे पास है ये लोग हमें नहीं मारेंगे। इनको डर लगा रहेगा कि इसको गोली न लग जाए। ये बस भी हमारी रक्षा करेगी, जब तक ये बीच में है हमें एक भी गोली नहीं लग सकती। पर इन्हें थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाए। अभी बताता हूँ इन्हें, और ये गए। ओहो भाई साहब, गाइस यार ये लोग तो फायर कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे। क्या इनाम? गाइस यार ये तो फायदे का सौदा लग रहा है। ये अभी उस साइड गोली चला रहा है, इसका ध्यान नहीं है। और ये ले। एक तो हमारे हाथ पैर थोड़े ज्यादा बड़े बड़े, पैर तो नहीं है पर हाथ बड़े। वाह गाइस क्या बात है, इनको मारने के भी पैसे मिल रहे। एक तो गया, अब इसकी बारी है। अरे अरे मरी नहीं रहा, इसकी तो मैं ये ले और ये खा। चलो गाइस इसके भी पैसे मिले, अब जाके देखते बाकी के लोग कहाँ पर है। अबे नहीं 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 ये लोग भाग रहे। टक्कर मारी है यार, कमर टूट गई, मुझे उन्हें कैसे भी करके पकड़ना होगा। अबे नहीं यार वो लोग तो बहुत ज्यादा दूर चले गए। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एक मिनट वो चीज हमारे काम आ सकती है। जल्दी से जाके वो गाड़ी ले लेते हैं इससे पहले कि वो लोग कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाए। मैंने देखा था कि वो लोग आगे से राइड गए, तो गाइस हम लोग उसका पीछा करेंगे। तो गाइस जब तक मैं उनका पीछा कर रहा हूँ आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस वो रही वो मिनी बस ठीक हमारे सामने है। इस बस को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है, ये तो जेल में खड़ी होती थी इनकी। तो मैं ये ले, रुक जा यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक बार और जोर से टक्कर मार के देखते हैं, क्या पता रुक जाए। अबे यार क्यों, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी है ना गाइस। थोड़ा और जोर से देना पड़ेगा टक्कर, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं सीधा इस बस के ऊपर चला जाऊँ। गाइस मुझे पता नहीं ये सही होगा या गलत। बस बस इसके पास पहुंचने वाला हूँ मैं। ओ नहीं 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 नहीं, और गाइस ओ भाई साहब यार बच गया, फिर से इसके नजदीक जाना होगा। इस बार गाड़ी को है ना थोड़ी सी स्पीड कर देते, और ये पहुंच गए गाइस। वाह क्या बात है, मुझे लगा नहीं था ये होगा, वो भी एक ही बार में। एकदम हल्का सा झटका देते बस को। गाइस ज्यादा जोर का नहीं दे पाया। आउच आउच यार, जरा देखो तो सही, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इनसे बैलेंस हो ही नहीं रहा है। एक हल्का सा झटका और पूरी बस हिल गई। और भाई साहब गाइस आखिरकार हमने इस बस को रोक ही लिया, अब जल्दी से इसके पास जाते हैं, भाग भाग के जाना होगा। बस में तो आग लग गई है यार, और ये रहे दोनों क्रिमिनल। हाँ गाइस क्या बात है, इनके भी पैसे मिले। चलो 10,000 तो यहीं पर जमा हो गए, अब जल्दी से जाके देखते हैं कि वो बैंक मैनेजर जिंदा है भी या नहीं, वरना हमें इनाम का पैसा नहीं मिलेगा। गाइस यार बो रहा, वो तो रो रहा है कोने में। अरे वाह क्या बात है, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे तो लगा था ये लोग मुझे मार देंगे। अरे यार जब थॉर तुम्हारे सामने तो चिंता की क्या बात, क्या बात कर रहे हो, तुम थॉर हो? हाँ हूँ तो थॉर ही। देखा गाइस इसको भी डाउट हो रहा है। तो गाइस ये सब लफड़े छोड़ते हैं, इसको हमने बचा लिया है और हमें हमारे पैसे मिल गए। कितने मिले? 40,000 और पहले के 10, अब हमारे पास हो चुके पूरे $50,000। गाइस यार जल्दी से कोई कोना पकड़ते हैं। ये जगह मुझे ठीक लग रही है, अब जल्दी से शॉप में देखते हैं कि अपने लिए क्या है 50,000 में। और ये कोली मैन
मैंने शॉप। वो ये सूट अच्छा है, 50,000 में तो ठीक ही है। और परचेज गाइस, यार फाइनली अभी मैं लग रहा हूँ थोड़े थोड़े थॉर जैसा, मतलब के 5%, पर अभी भी हमें पैसे चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोचना होगा। एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? थॉर, हाँ बोलो ना। हमारी बात सुनो, अगर तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है और नया सूट लेना है तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, और मुझे पता है कि तुम्हें पैसे कहाँ मिलेंगे। कहाँ पर? मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर एक फाइटिंग मैच होने वाला है, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। ओके, तो गाइस अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो पहले हमें कार चाहिए होगी, इसलिए मैं ये चोरी कर रहा हूँ। देखो हम लोग डायरेक्ट तो फाइट करने जा नहीं सकते। देखो यार, सूट भले थॉर का है पर अंदर से तो मैं फ्रैंकली नहीं हूँ ना, इतनी ताकत मुझ में नहीं है। तो गाइस अगर हमें उसे हराना है तो हमें करनी होगी पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग, उसके बाद हम उस कॉम्पिटिशन में जाएंगे। अब जल्दी से चलते हैं जिम में। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जल्दी से गाड़ी को रोके उतरते हैं। वो रहा जिम, ठीक हमारे सामने ही है, जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। यार आज तो दबा के एक्सरसाइज करूंगा मैं। पर सही बोलू तो मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है, इनको देख देख के कर लेते हैं या फिर। एक मिनट, यहाँ पर एक जन खड़ा है और ये तो मुझे ट्रेनर ही लग रहा है। अरे दोस्त सुनो ना, क्या आप मुझे ट्रेनिंग दोगे? मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे एक फाइट के लिए जाना है और अगर मैं हार गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अरे उसी के लिए तो आया हूँ, तुम बस बताओ करना क्या है। अच्छा ठीक है, तो हम अभी से शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, जैसा बोलो। अब जाओ उस ट्रेडमिल पर। यस सर। तो गाइस यार जल्दी से जाते हैं। भाग भाग के यार पैर दुखने आ गए। ये क्या बच्चों की तरह भाग रहे हो, जल्दी भागो। अरे यार भाग तो रहो, और कितना तेज भागू। चलो 1, 2, 3 लगे रहो। हाँ बाबा कर रहा हूँ गाइस, यार हाथ दुखने आ गए। कमान कर सकते हो, इतना वजन तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। गाइस यार 3-3 गाड़ियां इसने मेरे पीठ पर रख दी है और बोलता है इतना वजन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। चलो फाइनली हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने बहुत सारी कार्स रखी है, अगर तुम उन्हें डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। ओके, तो ये वाली गाड़िया? हाँ तुम इन्हें देख रहे हो ना, यही वाली गाड़िया है। अब जाओ मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से शुरू हो जाओ। तो गाइस यार जल्दी से जाते, देखते हमने में कितनी पावर आई है। और ये ऐसा लग रहा है मैंने गाड़ी को धक्का दे दिया, कितने आगे तक सरक गई। अब इस पे मार के देखते हैं। और ये ले, ओ भाई साहब ये तो पहले वाली से भी आगे गई। और गाइस हमें क्या पैसे मिल रहे हैं यार, किसी के 2,000 किसी के 1,000। अबे यार इसको लगी नहीं, ये गई लात। मुझे बहुत मजा आ रहा है यार, अब तो बहुत सारी गाड़ियां बची है, इन सबको तोड़ देंगे हम लोग और जितने पैसे मिल सकते हैं जमा कर लेते हैं। और गाइस अच्छी बात है, उसी के साथ हमारी ट्रेनिंग भी पूरी होगी। अब इसकी बारी। अरे यार पेड़ बीच में आ गया, नहीं तो और ऊपर उड़ के जाती दूर मतलब। और ये गई, इसको क्या लगा छोड़ दूंगा। अब इसकी बारी गाइस। अबे लग ये, और बूम भाई साहब। अबे ये रुक गई। चलो चलो गाइस फाइनली सब कुछ हो गया, हमारी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और हमने $20,000 जमा कर लिए। मुझे लगता है मैंने सारी गाड़ियां तो फोड़ी दी है, अब बारी है उस कंपटीशन में जाने की। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे ट्रेनिंग कौन करवाता। हाँ वो सब तो ठीक है पर अभी टाइम हो चुका है, जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। अच्छा ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। गाइस यार बस एक ट्रक बचा है, इसको ही लेके जाते हैं। अच्छा मैंने इस वाले मॉन्स्टर ट्रक को उड़ाया नहीं। अरे भगाओ गाड़ी, ये क्या स्लो स्लो चला रहे हो। अबे भगाई तो रहा हूँ, मॉन्स्टर ट्रक है, रॉकेट थोड़ी ना है, हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लोकेशन के काफी ज्यादा नजदीक है। गाइस यार मुझे नहीं पता कि फाइट में क्या होने वाला है, मैं जीतूंगा भी या नहीं। ओहो यही पर भीड़ लगी है, जल्दी से गाड़ी को रोकते हैं। वो रहा वो, इसकी बॉडी तो देखो जरा, मुझे लग रहा है कि ये हमें थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, लोग तो उसके लिए चिल्ला रहे। जल्दी से उतर के जाते हैं यार। गाइस जो भी होना हमें हार नहीं माननी है, पहले तो जाके पता करते कि इनाम कितना है। मुझे लगता है यही आदमी है जो हमें बताएगा। देखो मैं वही हूँ जो इसके साथ लड़ाई करने वाला है, मैंने अपना नाम लिखवाया था। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि इसमें इनाम कितना है। इसमें इनाम है पूरे $80,000, जल्दी से जाओ मैच बस शुरू होने ही वाला है। तो गाइस आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब हमें खुद को और अपनी ट्रेनिंग को प्रूव करना है। मुझे तो अभी भी इसकी बॉडी देख के रोना आ रहा है, इतना शो ऑफ कर रहा है ये। ओ भाई साहब ये तो अपनी तरफ आ रहा है, इसकी तो मैं आउच आउ, रेफरी ने तो 1-2-3 बोला ही नहीं, इसकी तो मैं ये ले। और ये का इसके तो मुंह पे पंच मारूंगा। आजा आजा हट यहां से। ओ भाई साहब क्या मारा इसने। गाइस यार मेरा पेट दुखने आ गया, रुक जा, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है अपनी पावर को थोड़ी और बढ़ाना पड़ेगा, पूरा दम लगा के मारते। ये ले, क्या हुआ लंगड़ा हो गया। ओ भाई साहब क्या बचाऊं मैं। आप ये ले। गाइस यार हमारी ट्रेनिंग काम आ रही है। और ये खालात, इसकी तो सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं आज। अबे अबे अबे, और ये ले। एक मिनट गाइस, मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है, इसका मतलब कि हम लोग जीत गए। वाह क्या बात है, जल्दी से जाते यहाँ से बाहर, क्या बोलते हो। तुमने खुद को साबित किया, ये लो तुम्हारे $80,000, अब ये तुम्हारे हुए। गाइस अब हमारे पास टोटल है $1,00,000, अब जल्दी से फिर से
कोई कोना पकड़ते हैं और एक नए सूट को परचेस करते हैं। देखते हैं इस बार कौन सा मिलेगा। जल्दी से ऑनलाइन शॉप खोलते हैं और ये रहा 1 लाख वाला सूट। वाह क्या बात है यार, अब हमें मिलेगा एक रेगुलर सूट और के सूट के साथ हमें उसकी स्किन भी मिल रही है। मैं तो पूरा उसके जैसा दिख रहा हूँ यार। अब पता नहीं आगे और क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी जाते हैं भाग के, पहले तो टेस्ट करते अपनी पावर्स का। गाइस यार पावर्स तो हमारी बड़ी है। और ये ले, मानता हूँ इसके पहले भी गाड़ियाँ उड़ रही थी, सारी पावर्स तो नहीं थी ना हमारे पास। देखा ना आप लोगों ने कैसे मैंने उस गाड़ी की बाट लगाई। अब देखते वापस साहब। गाइस यार इन गाड़ियों को फोड़ने के पैसे मिल रहे हैं, मजे तो उस बात के आ रहे मुझे। और वो ट्रक क्या हवा में उड़ के गई है, कम से कम 5 सेकंड तो वो हवा में थी। अब इन गाड़ियों की बारी है और ज्यादा ऊपर जाएंगे इस बार थोड़ा सा और देखते इस बार क्या होता है। बूम, चलो एक दो गाड़ियां तो फूटी, हम लोग थोड़ा सा दूर गिर गए। और फोड़े के नहीं फोड़े या फिर इतना काफी है। देखो इससे तो ज्यादा पैसे जमा होने भी नहीं वाले, हमें कुछ बड़ा करना होगा और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। थॉर तो बोल के चला गया, वो भी डेट पर, ऐसा कौन करता है यार। एक मिनट गाइस, यहाँ पर कुछ तो पड़ा है। क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर एक रैम चैलेंज होने वाला है और जिसका इनाम है पूरे $4 लाख। गाइस $1 लाख हमारे पास जमा हो चुका है, अगर ये $4 लाख भी आ जाए तो हम 5 लाख वाला सूट खरीद पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। जल्दी जल्दी चलते वहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और आपको दिख रहा होगा दूर से वो रही वो जगह जहाँ पर वो रैम्प करना है। जल्दी से उड़ के उस पर जाते हैं। अबे यार कुछ ज्यादा ही दूर है, पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग उड़ सकते हैं ना, तो जैसे तैसे करके मैं वहाँ पर तो पहुँच ही जाऊंगा। और गाइस हम लोग पहुँच गए। 1 मिनट, लोकी ये यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लीज कोई मुझसे कह दो कि ये इस रैम्प में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बेटा तुम एकदम सही समझे, ये भी इस रैम्प में पार्ट लेगा, और अगर तुम्हें भी लेना है तो रूल समझ लो। अच्छा ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं, समझाओ रूल। ये रैम्प थोड़ा सा लंबा हो सकता है और उसके बीच में तुम्हारी गाड़ियाँ बार बार कन्वर्ट होती रहेगी। जरूरी नहीं कि तुम दोनों को हमेशा सेम गाड़ियाँ ही मिले, तुम्हारा व्हीकल किसी भी रैंडम चीज में बदल जाएगा। जो भी सबसे पहले एंड तक पहुँचेगा वो जीतेगा। सबसे पहले लोकी जाएगा। अभी मैं इसे बताऊंगा, मेरा बड़ा भाई है तो क्या हुआ, इस रैम्प को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। अब चलता हूँ यहाँ से। चलो फाइनली मैंने इसे पूरा कर ही दिया, ये तो मैं ही जीतूंगा, ये इनाम मेरा ही होगा। गाइस यार अब हमारी बारी है, उसने तो 2 मिनट के अंदर कर दिया। भाई साहब यहाँ से जंप करना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ओ बच गए। और भाई साहब मैं यहाँ से नीचे गया, एक साथ दोनों खड्डे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर बहुत सारी विंडमिल घूम रही है, हमें इनसे बचते हुए जाना होगा। और ये मैं चला गाइस, एक भी बार नहीं टकराया। ये बर्गर को टक्कर मारी है। और यहाँ पर ये क्या रखा हुआ था यार, कुछ भी रखते है ये लोग बीच में। देखो अभी तक तो मैं कन्वर्ट हुआ नहीं हूँ, पता नहीं कब होऊंगा। पर उसने बोला था कि हम लोग किसी भी रैंडम चीज में बदल सकते हैं, और किसको पता हमारी व्हीकल की चीज में बदल जाए। पता चला मैं हवा में हूँ और मैं एक बोट बन गया, फिर तो हमारी वाट है। ओ नहीं नहीं बच गए, क्या टकराते टकराते रह गए यार। एक तो ये बॉल है ना किसने बीच में रखी है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओके गाइस हम लोग यहाँ कन्वर्ट तो नहीं हो रहे, पर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर रखा है, मुझे लगता है मुझे ये ले लेना चाहिए, तो मैं इसे ले रहा हूँ। इससे हमारा काम है ना थोड़ा और आसान हो जाएगा, हम कहीं नीचे टकराएंगे नहीं यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी है लेके, क्योंकि अब थोड़ा सा भी ऊपर टकराए ना तो हमारा चॉपर ब्लास्ट हो सकता है। ओ भाई साहब हम लोग एक जेट में बदल गए। मतलब कि हमारा व्हीकल हम कैसे बदल सकते हैं, अब तो और भी ज्यादा स्पीड में हो रहा है ये। गाइस इन सर्कल के बीच में से होके निकलना होगा, पता नहीं ये क्या है, बड़े बड़े टायर जैसे। मुझे लगता है ये आखिरी वाला होना चाहिए। और ये मैं चला इसके अंदर से। इतने अच्छे से किया हमने ये, जल्दी से निकलते यहाँ से। क्या लगी है मुझे, कोई नहीं। अबे यार ये जेट आगे जा रहा है, कूदना पड़ेगा। क्या बार बार बचे, हमारे जेट नीचे गया और हमारी गाड़ी भी थोड़ी सी डैमेज करके गया। अब गाइस यहाँ से हमें जंप लगाना है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये मैं चला, प्लीज पहुँच जा, प्लीज पहुँच जा, ये बस फाइनल स्टेज है, नीचे नहीं गिरना है मुझे पानी में। अगर हमने ये कर दिया तो हम लोग जीत सकते हैं। और ये हम लोग नीचे पहुँचने वाले। आउच आउच आउच। चलो गाइस कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं जीत गया और मैंने 2 मिनट के आसपास किया है। क्या बोलते हो लोकी, कैसा लग रहा है हार के? हम हारे नहीं है, हम तुमसे जल्दी पहुँचे थे, ये बहुत ही गलत है, तुमने चीटिंग की है। 1 मिनट, मैं टाइम के साथ क्या चीटिंग करूंगा, वो सब हमें नहीं पता। तुम रोते रहो, मुझे तो पैसे मिल गए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गाइस 4 लाख + 1 लाख हमारे पास है, $5 लाख। आप लोग गेस करो कि अगला सूट कौन सा होगा। देखो ये जगह ठीक रहेगी, जल्दी से ऑनलाइन शॉप खोलते हैं, देखते हैं अभी हमें क्या मिलने वाला है। और 5 लाख में गाइस ये वाला सूट है, तो जल्दी से परचेस करते हैं। भाई साहब हम तो अपग्रेड हो गए यार, मजा ही आ गया। बस सवाल ये है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सूट है जिन्हें परचेस करके मैं ताकतवर बन सकता हूँ। सबसे पहले तो देखता हूँ मेरा हथियार आता है या नहीं। गाइस यार इस वाले थॉर के पास तो मियोनीर भी है, अब आएगा ना मजा। थॉर का हथौड़ा पकड़ने का मजा ही कुछ और है। 1 मिनट, ये किसका फोन है? ये हम है थॉर, हमारी बात सुनो। लोकी को डिस्ट्रॉयर ने किडनैप कर लिया है, तुम्हें उसे बचाना होगा। तुम्हें पता है मैं तो नहीं आ सकता, पर तुम अगर उसे बचा लोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे जिससे तुम नया सूट खरीद सकते हो। अच्छा ठीक है यार, ये तो मुसीबत वाली बात है, मैं डिस्ट्रॉयर को कैसे हराऊंगा? तुम्हें करना ही होगा। ओके गाइस तो हमें अभी निकलना ही होगा, कैसे भी करके लोकी को बचा ही लेते हैं, हमें पैसे मिल जाएंगे यार। ओ 1 मिनट, ये पुलिस मुझे क्यों मार रही है?
अबे यार मांजरा क्या है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ आ गई, ऊपर हेलीकॉप्टर है, पक्का इन्हें डिस्ट्रॉयर ने भेजा होगा। इनकी तो मैं ये लो, इनके साथ कितनी गाड़ियाँ फूट गई और हमें सबके पैसे मिले। क्या बात है यार, इस हेलीकॉप्टर को फोड़ के देखता हूँ। और ये मैं चला, ये ले। गाइस यार ये हथौड़ा तो बहुत ही कमाल की चीज है, हालत खराब कर देती है सामने वाले की। अबे फूटना, अब इस गाड़ी की बारी है। और ये ले बिजली खाओ, पैसा ही पैसा होगा। आओ और कोई बाकी है क्या? अब इनकी बारी गाइस। वाह क्या बात है, मिलिट्री वालों को मारने से और भी पैसे मिल रहे हैं। और कोई है लाइन में? ये भी गया गाइस। और अब इनकी बारी। नहीं यार एक ही गाड़ी फूटी, कोई बात नहीं, अब इसकी बारी। एक और हेलीकॉप्टर, मतलब और पैसा। निशाना लगाया और ये गिराई बिजली। बिजली का निशाना नहीं चूक सकता गाइस, वो सीधा ऊपर से गिरती है और वो भी मेरे इशारे पर। क्या ही पावर है यार थॉर की, और खास कर ये हथौड़ा बहुत ही गजब का है। ओ ये हेलीकॉप्टर भाग रहा है, अब कहीं नहीं भाग पाएगा। अब इन पुलिस वालों की बारी। क्या बात है यार, आसपास के सारे गए। जरा देखे तो सही कितने पैसे जमा हुए हैं। गाइस यार यही पर हमारे $1.5 लाख जमा हो गए। अब चलते हैं यहाँ से सीधा डिस्ट्रॉयर के पास। मैं भी देखता हूँ लॉकी के साथ क्या करता है। वैसे तो अगर उसने उसके साथ कुछ कर लिया तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या है ना हमें पैसे मिल रहे हैं, वरना लॉकी तो है ही हमारा दुश्मन। देखो मुझे यहाँ से बहुत सारी पावर महसूस हो रही है, और मैं थॉर हूँ तो वैसी पावर महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रॉयर भी तो एसगार्ड का ही था। हो सकता है वो। गाइस वहाँ पर कोई खड़ा है, ये रहा डिस्ट्रॉयर और वो रहा लॉकी। और कैसे हो डिस्ट्रॉयर, व्हाट टाइम हो गया यार तुमसे मिले। हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे पता तुम इसे यहाँ पर बचाने आए हो थॉर, पर तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ओह माना मैं थॉर नहीं हूँ, पर ये तो मुझे समझ रहा है ना, उसके बावजूद इतनी धमकी। ओ आउच आउच, क्या फील रहा है, पागल वागल हो गया क्या? गाइस यार इसने तो अचानक ही वार कर दिया। ओ ओ ओ, 2.5 किलो का हथौड़े वाला बुक्का पड़ा अपने को। भाई साहब इसका हाथ कितना भारी है, पर मार जरूर खाएगा मेरे हाथ से। ये ले। और ये का क्या हुआ, तोड़ दी ना पीठ। ओ सीधा खड़ा हो गया, लेजर छोड़ रहा है इसकी तो। मैं ये ले। वाह गाइस क्या बात है, थोड़े थोड़े पैसे यहाँ से भी मिल गए अपने को। ओ अभी भी बाकी है, कोई बात नहीं हम लोग इसे और मारेंगे और पैसे बटोरेंगे। उसके पहले बस उठ जाए, ये हमें थोड़ा सा मौका दे दे। रुक जा अब इसे बताते। ये ले, कभी $10,000 तो कभी $20,000, क्या पैसे मिल रहे हैं। 1.5 लाख तो पहले से जमा हो चुके अपने पास। ओ भाई साहब रुक जाओ गाइस, इसे मारने का मन तो कर रहा है, पर मैं चाहता नहीं हूँ इसे एक बार में मार दूँ, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, पर अब बहुत हो गया, ये हमें बहुत परेशान कर चुका। ये ले और ये खा। अबे यार क्या है ये चीज, ओ इसकी तो मैं। और ये खा। गाइस मुझे नहीं लग रहा ये मिल रहा है, और हम लोग फिर भी मारेंगे। मुझे क्या है ना, एकदम भरोसा होना चाहिए कि मर चुका है, पता चला फिर उठ गया और पीछे से वार करके हमारा पोपट कर दिया। फिर सूट तो क्या, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मार मार के काला कर दिया इसको हमने। चलो गाइस इसको मारने के भी हमें $1.5 लाख मिल गए, इसका मतलब अभी हमारे पास $3 लाख है। और जरा देखे तो सही थॉर कितना देता है। और यार जल्दी से पैसे भेजो। ठीक है रुको भेजता हूँ, हम तुम्हें इसके $7 लाख देंगे। ओके तो गाइस अभी हमारे पास टोटल हो चुके हैं $10 लाख, मतलब के $1 मिलियन। चलो अब जल्दी से लॉकी के पास जाते हैं। लॉकी मेरी बात सुनो, मुझे हेला को हराना है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चलो चलते हैं यहाँ से, जल्दी से जाके उसे खत्म करते हैं। लॉकी हमें कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अबे यार हमेशा की तरह इतना डरपोक है यार वो, फिर भाग गया, ये कभी नहीं सुधरेगा। कोई बात नहीं गाइस, हम उसे हरा लेंगे अकेले, पर उसके पहले जो पैसे मिले हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। देखते हैं कौन सा सूट है ऑनलाइन शॉप पर, ये रहा 1 मिलियन वाला सूट। भाई साहब कड़क यार, गजब, ये वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, हेला शहर में पहुंच गई है, तुम उसके काफी ज्यादा नजदीक हो, इससे पहले वो वहाँ से भागे तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके तो मैं जा रहा हूँ। तो गाइस यार हम लोग शहर के अंदर तो पहुंच गए। एक मिनट यहाँ मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, लगता हेला भाग गई। ओ भाई साहब अभी मैं समझा, उसने तो बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। चलो बच गया, अब इसकी बारी। क्या बात है यार, इसका 1 लाख मिला, इसके 50,000 मिले, ये ज़ॉम्बी पक्का बहुत ताकतवर होंगे, अभी इनके इतने पैसे मिल रहे। और अब इसकी बारी, अब इन सबको एक साथ लेता हूँ। क्या बात है यार, यही पर मुझे लगता है ना $2 से $3 लाख जमा हो गए होंगे। अब इसकी बारी। अबे ये पीछे से आ रहा है, बच गए। गाइस यार हमारे पास अच्छे खासे पैसे तो जमा हो रहे हैं, देखो $1 मिलियन तो यही पर जमा हो गया है। गाइस यार यहाँ का तो मौसम भी खराब हो रखा है, पहले मुझे इसे फिक्स करना होगा, क्योंकि मैं थॉर हूँ तो मुझे भी इतनी पावर है, मुझे मौसम में थोड़े हेर फेर करने होंगे। तो जल्दी से देखते होता है या नहीं। और ये हो गया। गाइस यार क्या बात है, मैंने कर दिखाया। चलो अब बारी है हेला की, अगर मुझे हेला तक पहुँचना है तो मुझे पोर्टल की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है मुझे पोर्टल खरीदना होगा। जरा देखे तो सही पोर्टल कितने का मिल रहा है, क्या $5 लाख। तो गाइस ये किया मैंने परचेज और पोर्टल आ चुका है, जल्दी से चलते यहाँ से सीधा हेला के पास। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए, अगर पोर्टल हमें यहाँ पर लेके आया है तो हेला भी यहीं पर होगी पक्का, बस हमें उसे ढूंढना है। हेला देखो तुम्हारा भाई आ गया। वो रही, इसको क्या लगा मैं इसको नहीं ढूंढ पाऊंगा। हेला तुम्हारी तो वाट है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे और मैं देखती रहूंगी, ये तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। ओके पर एक बात बताओ, गले में खराच हो गई है क्या? बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें, यहाँ पर आओ। अबे हट। गाइस यार आप लोगों ने देखा क्या, मैंने हेला को एक बार मारा और मुझे $1 मिलियन।
मिला। एक दो बार और मारते इसको, हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे। बस ये उठने दे हमें, ये ले और ये का। क्या बात है यार, भाई साहब कभी $5,00,000 तो कभी $1,000,000। हमारे पास $5,000,000 जमा हो गए, अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं। आउच आउच आउच, क्या मारा है यार इसने। तो मैं यार, हमें मौका ढूंढना होगा ताकि हम लोग सूट चेंज कर पाए। 5 मिलियन वाला सूट बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, वो इसको पक्का हरा सकता है। बस ये हमें उठने का मौका दे। जल्दी जल्दी भागते गाइस, वो इसी साइड आ रही होगी। हमारे पास यही मौका है, ऑनलाइन शॉप खोलते फटाफट, देखते 5 मिलियन पे कौन सा सूट है। और ये रहा परचेज, गोल्डन थॉर। भाई साहब जल्दी से मेरे दोनों हथियार मेरे पास आओ। स्ट्रॉन्ग ब्रेकर, अब आएगी बारी हेला को हराने की। आजा बेटा बताता हूँ तुझे, ये ले और ये खा। गाइस यार क्या मजा आ रहा है, अब ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, इसके दिमाग में बस घूमर घूमर चल रहा होगा। क्या बात है यार, अब इसको बिजली के झटके देते एक ही साथ सारे के सारे। कहाँ गई, अबे कहाँ गई, यही पर तो थी। ये रही, ओ भाई साहब इसने मुझे मारा। ये ले और ये का, गोल्डन थॉर को मारेगी तू। और अब ये ले, सारी की सारी बिजली दे दूंगा इसको मैं आज। अब इसकी ट्यूबलाइट जल गई होगी। कहाँ गई बे, गायब हो गई क्या? गाइस यार ये तो दुनिया से गायब होली, मतलब कि हमने इसको हरा दिया। फाइनली गाइस हमारा काम पूरा हुआ। एक मिनट, मैं नॉर्मल कैसे हो गया? और यार क्या, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए थे। चलो छोड़ो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।